उत्तर प्रदेश में डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं जो कि 25 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रही हैं उसको लेकर के एक बड़ी खबर है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 3 बार मौके जिनके समाप्त हो चुके हैं, चौथी बार मौका देने के संदर्भ में अभ्यर्थियों ने ज्ञापन और प्रत्यावेदन सौंपा था। उसी के क्रम में चंदौली जिले के डायट प्राचार्य के द्वारा एक पत्र लिखा गया है चंदौली जिले में सभी जो निजी डीएलएड संस्थान होते हैं उनके प्रबंधक को 8 अप्रैल 2022 को। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं द्वारा अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने हेतु प्रत्यावेदनों के संबंध में। यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि दिनांक 12 जनवरी 2022 को जो लेटर जारी किया गया था उसके अनुपालन में डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं द्वारा अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने हेतु आप द्वारा प्रशिक्षुओं का प्रत्यावेदन प्राप्त कराया गया है। उक्त आदेश के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने निजी डीएलएड कॉलेजों से संबंधित प्राप्त प्रत्यावेदनों का मिलान एवं सत्यापन करते हुए अपने कार्यालय सहायक दिनांक 13 अप्रैल 2022 को प्रातः 11 बजे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चंदौली में भेजना सुनिश्चित करें। तो कार्यवाही चल रही है, जिनके भी चौथे अवसर की तलाश है प्रत्येक ज़िले में आप अपने डायट और अपने कॉलेज के संपर्क में रहिए, क्योंकि इनका डायरेक्ट एडमिट कार्ड पिछली बार जारी किया गया था और जिस प्रकार से प्रत्यावेदन सबमिट हुए, बहुत भारी संख्या में प्रत्यावेदन सबमिट हुए हैं, लेकिन SCERT के द्वारा जो पिछली बार 300 से 400 अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था, वे सिर्फ उन अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था जिनके सभी पेपर क्लियर हो चुके हैं, सिर्फ एक सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट में बैक रह गया है, उनको मौका दिया था। तो आप अपने निजी डीएलएड संस्थान और डायट के संपर्क में लगातार रहिए, वहीं से आपको सूचना प्राप्त होगी। कई जिलों में कार्यवाहियां चल रही हैं डायट के माध्यम से, आप भी अपने डायट और निजी डीएलएड संस्थान के संपर्क में रहिए और उनसे पूछिए कि इस प्रकार का लेटर आपके जिले में जारी हुआ है अथवा नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।